तो बाहर से आने वाली बीमारियां तो बहुत ही कम है, मुश्किल से 8-10%। इसका माने 90% बीमारियां तो हमारे अपने अंदर से हैं, और अपने अंदर से बीमारी 90% ऐसे देश में हो जाए जहां सर्वे भवंतु सुखने की कल्पना रही हो, तो इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि भाई क्या हुआ हमको ऐसा पिछले 200 साल में जो हम इतने बीमार पड़ने लगे। मैंने इस विषय पर थोड़ा अभ्यास किया, थोड़ा सोचा, तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया कि पिछले 200-250 वर्षों में हमने भारत की चिकित्सा व्यवस्था आयुर्वेद का अपने जीवन में पालन कम कर दिया। सर्वे भवंतु सुखने की कल्पना जिस आयुर्वेद से आई है, उसी आयुर्वेद ने हमको बताया है कि आप सुखी कैसे रहें, और सुखी रहने के लिए स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति ही सुखी होता है, ये भारत की सर्वमान्य परिभाषा है और हजारों साल से चली आ रही है। हमारे देश में जितने भी महान व्यक्ति हुए सबने एक बात कही कि सुखी वही है जो स्वस्थ है। आपके पास बहुत पैसा है, आप सुखी नहीं हैं, क्योंकि पैसे से सुख नहीं खरीद सकते, पैसे से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, सुख नहीं खरीदा जा सकता। आप करोड़पति हो या रोडपति, स्वस्थ हैं तो सुखी हैं, अगर स्वस्थ नहीं है तो कोई सुख आपको नहीं है। हजारों करोड़ के एम्पायरों के मालिक लोगों से मैं कई बार मिला हूं, और मैंने उनको दिन में 20-20 गोलियां खाते देखा है, 25-25 गोलियां खाते देखा है। गोलियां वो ऐसे खाते हैं जैसे सब्जी खाते हैं। हाँ, कई बार तो मैंने देखा है कि सब्जियों की जगह पर गोलियां ही गोलियां खाते रहते हैं। 4 गोली सुबह खा लिया, 4 दोपहर को, 2 कैप्सूल के साथ, 4 रात को, फिर अगले एक हफ्ते में और 2-4 इंजेक्शन ठुकवा लिए। ये स्थिति उनकी है, करोड़ों करोड़ों रुपए का उनका साम्राज्य है, फिर भी कहीं किसी स्तर पर स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ होने के लिए हमारे यहां तो बहुत पहले से ये मान लिया गया कि आप स्वस्थ हैं तो सुखी हैं, और जिस देश में स्वस्थ होने के लिए शास्त्र लिखा गया हो, लोग इतने बीमार पड़े, तो ये समझने की बात है कि हमसे कोई गलती हो रही है क्या, चूक हो रही है, क्योंकि शास्त्र तो हमारा कहता है कि आपको सुखी ही होना चाहिए, आनंद में ही रहना चाहिए, स्वस्थ ही रहना चाहिए। लेकिन हम अगर बीमार हैं तो कहीं कोई बड़ी गलती है। वो गलती क्या है, वो गलती समझने के लिए पिछले कई वर्षों से मैं कुछ दस्तावेज पढ़ता रहा, तो मुझे समझ में आया कि हमसे एक सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी जो आबोहवा है, जो जलवायु है, जो प्रकृति है, जो तासीर है, वो एक भिन्न तरह की है, और हम अपनी जीवन शैली जो बिता रहे हैं या चला रहे हैं वो हमारी आबोहवा, तासीर और प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। हमको पिछले 400-500 वर्षों से हमको एक बीमारी लग गई है, और वो बीमारी ये लग गई है कि यूरोप और अमेरिका की नकल करना, विदेशों की नकल करना। और जब से भारतवासियों ने विदेश जाना शुरू किया है तब से ये बीमारी और बढ़ी है। यहां से लोग पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाते हैं, धन कमाने के लिए विदेश जाते हैं, नौकरी पेशा करने के लिए विदेश जाते हैं, और वहां से लौट के आते हैं तो सब दिमाग में खुराफातें लेके आते हैं, और वो उल्टा उल्टा सबको सिखाते हैं और बताते हैं। हमारे मन पर उनका कुछ असर ज्यादा होता है क्योंकि वो फॉरेन रिटर, हाँ, हम उनको ज्यादा विद्वान मानते हैं जो विदेश पलट होते हैं, बाहर से लौट के आए हैं तो कुछ ज्यादा विद्वता लेके आए हैं। लेकिन वो मूर्खों के मूर्ख सिद्ध होते हैं जब हम हमारी जीवन शैली, आबोहवा और तासीर के हिसाब से उनका विश्लेषण करें। तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर हो गया है यूरोप और अमेरिका का, और इतना हो गया है कि सवेरे से शाम तक के जीवन में हम ऐसी बहुत सारी चीजें खा पी रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं जो हमारी प्रकृति को बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं, हमारी तासीर के उल्टी हैं, हमारी आबोहवा के विपरीत हैं। हमारी आबोहवा क्या है और यूरोप और अमेरिका की आबोहवा क्या है, उनकी तासीर क्या है, हमारी तासीर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, जरा इसको 2 मिनट समझें। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है एक बात के लिए कि भारत में सभी तरह की जलवायु है, पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दुनिया में आज तक कुल 16 जलवायु तय की गई हैं या खोजी गई हैं, जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है,
गर्मी और सर्दी के बीच का एक मौसम है, सर्दी और बरसात और सर्दी के बीच का एक मौसम है। इस तरह की 16 तरह के मौसम या 16 तरह की जलवायु आज तक पूरी दुनिया में खोजी गई है, और ये बड़ी गर्व की बात है कि भारत में ये सब की सब एक साथ उपलब्ध है। आप चाहें तो दुनिया की सभी जलवायु इस देश में आपको मिलेगी देखने को। मैं आज की हमारी जो चिकित्सा की समस्याएं हैं और स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, इन पर थोड़ा सा जानकारी इस संदर्भ में देना चाहता हूं कि ये उत्पन्न कहां से हुई। हमारा भारत देश दुनिया में अनोखा ऐसा देश है जहां की चिकित्सा प्रणाली हरेक व्यक्ति को स्वस्थ रहना सिखाती है, जिसको आप आयुर्वेद कहते हैं। दुनिया के किसी भी देश में ऐसी कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं है जो स्वस्थ रहना सिखाती हो। ज्यादातर चिकित्सा प्रणालियां जो दुनिया में चल रही हैं, जिनकी संख्या अभी धीरे धीरे 100 के ऊपर पहुंच गई है, एलोपैथी है, बायोकेमिक है, होम्योपैथी है, मैग्नेट थेरेपी है, ऐसी करीब 100 से ज्यादा चिकित्सा पद्धतियां दुनिया भर में चल रही हैं। इन सभी के मूल में यह है कि आप पहले बीमार पड़ो, फिर हम आपको ठीक करेंगे। हां, इसमें शर्त ही यह है कि आप बीमार पड़ो। बिना बीमार पड़े ये चिकित्सा पद्धति आपको कुछ भी मदद नहीं करेगी। लेकिन भारत की जो चिकित्सा पद्धति है, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, वो अनोखी है पूरी दुनिया में, जो ये कहती है कि बीमार ही मत पड़ो, स्वस्थ रहो। और ये स्वस्थ रहने की कल्पना कितनी ऊंची है हमारी चिकित्सा पद्धति में, इसका एक सूत्र है जो हम बार बार कहते रहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, कोई दुखी ना हो, ऐसी भावना, ऐसी कल्पना किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में। आयुर्वेद की यह जो चिकित्सा पद्धति इतनी ऊंची भावना लेकर हजारों वर्षों से इस देश में जो चलकर आई, आखिर उस देश में ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि सब बीमार ही बीमार दिखाई देते। जिस देश की भावना इतनी प्रबल और इतनी ऊंची हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस देश में अब सब बीमार ही बीमार दिखाई देते। थोड़े दिन पहले मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा था कि भारत में 108 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, इसमें स्वस्थ कितने हैं। तो उनका पहले तो एक पत्र आ गया उत्तर के रूप में कि आप पहले ये बताइए स्वस्थ मानेंगे किसको। आयुर्वेद की अगर आप परिभाषा लेंगे स्वस्थ होने की, तो भारत में शायद ही कोई मिलेगा जो स्वस्थ हो। और अगर एलोपैथी की परिभाषा लेंगे तो हो सकता है 20-25 करोड़ लोग स्वस्थ हों, बाकी बीमार हों। लेकिन आयुर्वेद की परिभाषा में तो शायद ही कोई हो, ऐसा उनका पत्र आ गया। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, आप ऐसा करिए, दोनों हिसाब से मुझे बताइए। 1881 के रिकॉर्ड्स मैंने निकाले तो उनका देखकर सामान्य समझ जो बनी मेरी, कि अगर हम मान लें उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी, लेकिन 20 करोड़ की जनसंख्या में अगर हिसाब ऐसा निकालें, 5 आदमी अगर एक परिवार में रहते हों, 5 व्यक्ति एक परिवार में रहते हों, तो उसमें से 4 स्वस्थ थे। ये मैं आयुर्वेद की परिभाषा से बोल रहा हूं। स्व में स्थित होना स्वस्थ, ये आयुर्वेद कहता। अपने में आप स्थित हो, आपको किसी भी चीज से, किसी भी वातावरण की प्रतिकूलता से आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम ना होता हो, तो आप स्वस्थ हैं, मन से भी और तन से भी, दोनों स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। तो उस समय 20 करोड़ की आबादी हमारे देश की, और 5 में से 4 लोग स्वस्थ। इसका माने जब हम गुलाम थे तो शायद ज्यादा बेहतर थे। फिर उसके बाद 2001 की जनसंख्या हमारी है लगभग 103 करोड़, 104 करोड़, अब हो गई है 2006 में 108 करोड़। तो अब हमारे यहां स्थिति यह है कि 5 में से 4 बीमार। और अगर थोड़ा और आगे चलूं तो 4.5 बीमार, आधा जो है थोड़े स्वस्थ हैं। आधे से मतलब जैसे शरीर में सैकड़ों बीमारियां हैं, तो उसमें से कुछ कम हैं जिनको उनको आधा मान लें, ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। मात्र 150 वर्ष में, या 150 से भी कुछ कम वर्ष में, ऐसा कैसा हो गया इस देश में? 5 में से 4 स्वस्थ थे 1881 में, अब 5 में से 4 बीमार हैं
2006 में, इतना उल्टा हो गया इस देश में। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले, मान लीजिए 1881 के तो आंकड़े उपलब्ध हैं, चूंकि अंग्रेजी सरकार ने सर्वेक्षण कराया था। हम 1881 के पीछे चलें, हो सकता है 1781 की बात करें या 1681 की बात करें, तो हो सकता है कि लगभग सभी स्वस्थ हों। तो हम भारत में पीछे की तरफ जब चलते हैं तो देखते हैं कि ज्यादा स्वस्थ लोग थे। और ज्यादा पीछे चले तो हमें बताया ये जाता है, और ये सामान्य रूप से समझ में भी आता है, कि अगर 500-700 साल पहले की भारत में कल्पना करें तो बीमारी ही नहीं, बहुत कम बीमारियां, कभी साल में एक आध बार कोई बीमार पड़ जाए तो पड़ जाए। और थोड़ा पीछे चलें, चरक ऋषि की बात सुने, सुश्रुत ऋषि की बात सुने, और हमारे देश के जो चिकित्सा शास्त्र के बड़े विशेषज्ञ रहे हैं उनकी कही हुई सुने, तो वो तो कहते हैं कि बीमारी क्या होती है ये सोचना पड़ेगा। और उस जमाने में स्वस्थ लोग इतने कि आराम से 100 साल 150 साल 200 साल तक जिंदा रहे। तो ये दिखाई ये देता है कि भारत जैसे जैसे आगे बढ़ा समय के सापेक्ष, तो बीमार ज्यादा होता गया। ये बीमारियां आई कहां से, बाहर से आई क्या? तो बाहर से आने वाली बीमारियां तो बहुत थोड़ी होती हैं, जिनको हम वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसी बीमारियां कुल बीमारियों की तुलना में मात्र 8-10% होती हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, ज्यादा बीमारियां बाहर से नहीं आती, कभी कभी कोई आ गई। और ऐसी नहीं है कि ये बीमारी सबको मार के चली जाएगी, थोड़े दिन में ये चली जाएगी। तो बाहर से कोई बीमारी आती है, ज्यादा टिक नहीं पाती, क्योंकि हमारा वातावरण और प्रकृति ऐसी है कि कोई बीमारी भारत में टिक नहीं सकती। सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश भगवान इसी देश को देता है, और सूर्य प्रकाश दुनिया में ऐसी अद्भुत वो है ताकत, जो हर बीमारी के कीटाणु को या जीवाणु को खत्म करके ही दम लेती है। जिन देशों में सूर्य प्रकाश कम होता है वहां बीमारियां ज्यादा समय तक टिकती हैं, या कभी कभी तो परमानेंट हो जाती है। भारत में कोई भी बाहर से आई हुई बीमारी टिक नहीं पाती, कितना भी खराब वायरस यहां आ जाए, कितना भी खराब बैक्टीरिया आ जाए। दुनिया में 16 तरह के क्लाइमेट जोन्स माने जाते हैं, वो सबके सब भारत में हैं, तो शायद भगवान की कोई कृपा है। दुनिया के जो दूसरे बड़े देश, जिनको हम अमेरिका कहें, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, किसी भी देश में 2 से ज्यादा क्लाइमेट जोन नहीं है। 23 देश हैं यूरोप के जो बहुत नजदीक नजदीक बसे हुए हैं, वहां तो 2 ही क्लाइमेट जोन है, एक ठंड है और एक भयंकर ठंड है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है। अफ्रीका में चले जाइए तो 2 ही क्लाइमेट जोन है, एक गर्मी है और एक भयंकर गर्मी है। अगर आप लैटिन अमेरिका में जाएं, ब्राजील और मैक्सिको में, तो वहां 2 ही मौसम है, एक बरसात है और एक भयंकर बरसात है। कुछ कुछ देश तो ऐसे हैं जहां 8 महीने पानी बरसता ही रहता है। भारत में भी गोवा में चले जाइए, 8 महीने पानी बरसता रहता है। तो हर देश के बारे में जब ये कहा जाता है भौगोलिक स्तर पर कि ये देश का क्लाइमेट जोन ऐसा, ये देश का क्लाइमेट जोन ऐसा, भारत के बारे में ये कहा जाता है कि सब क्लाइमेट जोन इस देश में है, इसलिए भारत के क्लाइमेट जोन को परिभाषित करने के लिए एक शब्द है समशीतोष्ण। यहां सब कुछ सम है, विषम कुछ भी नहीं है, असम कुछ भी नहीं है, सब सम है, बराबर है। गर्मी आएगी तो बराबर आएगी, बरसात आएगी तो बराबर आएगी, सर्दी आएगी तो बराबर आएगी, बसंत ऋतु आएगी तो बराबर आएगी, शिशिर ऋतु आएगी तो बराबर आएगी, यहां जो भी कुछ है वो बराबर है। तो बराबर है इसलिए दुनिया के भूगोल शास्त्रियों के बीच में या मौसम विज्ञान का अध्ययन करने वालों के बीच में भारत सबसे ऊंचा देश माना जाता है, कि ये देश कुछ अद्भुत है। सबसे पहले सूर्य निकलता है और सबसे अंत में सूर्य छिपता है, अर्थात इस देश को सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा मिलता है। अगर आप साल के 365 दिनों को गिनें तो शायद ही 3-4 दिन ऐसे जाएंगे इस देश में जब आपको सूर्य दिखाई ना दे, वरना हर दिन आपको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, भरपूर मिलेगा। दूसरे देशों की तरफ चलें, अमेरिका और यूरोप और उसके आसपास के देश, तो वो बहुत गरीब हैं इस मामले में कि उनको साल में मुश्किल से 15-20 दिन या बहुत अधिक तो 1 महीना सूर्य का प्रकाश मिलता है,
बाकी तो सूर्य निकलता ही नहीं है, निकलता है तो प्रकाश नहीं मिलता है। यूरोप में कई देश ऐसे हैं जहां का तापमान न्यूनतम 40 डिग्री ऋणात्मक होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिन देशों में शून्य के नीचे 40 डिग्री तापमान चला जाए, आपको कल्पना है जब चुरू का तापमान शून्य डिग्री आ जाता है, हर साल आता है, तो कैसी कड़कड़ाती ठंड पड़ती है पूरे राजस्थान और भारत में। अब जरा कल्पना करो कि इससे भी 40 गुना नीचे तापमान चला जाए तो लोगों का क्या हाल होगा। अब जरा सोचें कि वहां सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, सालों साल नहीं है, तो कभी कभी वहां जब सूर्य निकल आता है ना, तो वो सब पागल हो जाते हैं, और ऐसे पागल हो जाते हैं कि शरीर के सारे कपड़े उतार कर नंगे होकर लेट जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा से ज्यादा मिले। इसलिए वो सब समुद्र का किनारा ढूंढते हैं। समुद्र के किनारे क्या होता है, बालू होती है, बालू सबसे जल्दी गर्म होने वाली चीज है, तो सूर्य का थोड़ा भी प्रकाश निकलेगा तो बालू गिरेगी, वो गर्म होगी, तो ये सारे विदेशी लोग जहां सूर्य मिलता नहीं है वो एकदम नंगे होकर बालू पर लेटे रहते हैं ताकि बालू से निकलने वाली या रिफ्लेक्ट होने वाली जो हीट है वो भी मिले और ऊपर से भी मिले। वो दिन उनके लिए संडे होता है, सूर्य का दिन, और वही दिन उनके यहां गुड मॉर्निंग होता है। गुड मॉर्निंग माने अच्छी सुबह, अच्छी सुबह माने सूर्य दिखाई दे गया। अब उनके यहां तो सूर्य नहीं है, तो सूर्य नहीं है तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, सूर्य ही एक ऐसी शक्ति है पूरे प्रकृति में, ब्रह्मांड में, जो मैंने आपसे कहा कि 350 से ज्यादा कीटाणु और जीवाणुओं को मारने की ताकत अकेले सूर्य में है। तो उन इलाकों में जहां सूर्य है नहीं, वहां सभी तरह के जीवाणु और सभी तरह के कीटाणु पनपते हैं। तो उन देशों में सबसे ज्यादा बीमारियां वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ही होती है। अब उनके यहां जो बीमारियां हैं वो सूर्य के नहीं होने से हैं, तो उन बीमारियों का इलाज एक खास तरीके से किया जाता है। अब भारत में क्या है, भारत में तो सूर्य की इतनी प्रचुरता है, फिर यहां कोई बीमारी आएगी तो इसका इलाज किसी दूसरे तरीके से किया जाएगा। अगर हम उनकी नकल करके इलाज करने लगेंगे तो अपना ही नाश करेंगे, क्योंकि यहां जो डिसीज है, बीमारियां हैं, वो वायरल और बैक्टीरियल इतनी नहीं है, वो दूसरे किस्म की हैं। उनके यहां जो बीमारियां हैं वो वायरल और बैक्टीरियल किस्म की ज्यादा है। अब ये जो वायरल और बैक्टीरियल बीमारियां होती हैं, अगर इनको कंट्रोल ना करो तो ये बिल्कुल संक्रामक बीमारी की तरह से फैलती है। एक वायरस है, पैदा हो गया, अगर आपने उसको नियंत्रित नहीं किया तो वो पूरे इलाके में फैलेगा और सबको चपेट में लेगा। एक बैक्टीरिया है जो पैदा हुआ, अगर आपने उसको नियंत्रित नहीं किया तो पूरे इलाके को चपेट में लेगा। तो वहां की मजबूरी क्या है कि जैसे ही कोई बीमारी फैलती है तो सरकार सभी को मास वैक्सीनेशन शुरू करा देती है। मास वैक्सीनेशन माने सबको टीके लगाओ, किसी को मत छोड़ो। तो इसलिए यूरोप में क्या होता है, कोई भी छोटी सी बीमारी या महामारी आई तो सबको टीके लगाना अनिवार्य कर दिया जाता है। कारण क्या है कि वो एक वायरस और एक बैक्टीरिया जो मर सकता है सूर्य की तेज रोशनी में, है ही नहीं वहां पर, तो वो तो फैलने वाला है, बढ़ने वाला है, तो दवा देके ही उसको रोक पाएंगे। अब हम उनकी नकल करके भारत में भी यही शुरू कर देते हैं, मास वैक्सीनेशन, सबको हेपेटाइटिस बी के टीके लगाओ, भारत हो या ना हो, सबको पोलियो का वैक्सीन देते जाओ, हो या ना हो, सबको ये वैक्सीन दे दो, सबको वो वैक्सीन दे दो, ये उनकी नकल करके हमने अपने देश में जो शुरू किया है, ये अपना ही सर्वनाश करने का काम हम कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, एक तो फालतू खर्चा हम करते रहते हैं, दूसरा हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर को क्षमता दे रखी है बीमारी से लड़ने की, और जो वैक्सीन या दवा हम लेते हैं वो हमारी उसी क्षमता को प्रभावित करती रहती है। तो अंतिम दुष्परिणाम ये होता है कि आपने जिन बीमारियों से बचने के लिए टीके लगवाए, थोड़े दिन के बाद ये बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलने लगती हैं भारत। फिर हम इतने परेशान हो जाते हैं, डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हैं, डॉक्टरों के पास भी उसका कोई इलाज नहीं होता है, तो अंत में हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हमारी आंखों के सामने तिल तिल करके लोग मरते हैं।
हम असहाय होकर देखते हैं। गलती कहां होती है? यूरोप और अमेरिका में मास वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है, एक छोटा भी कीटाणु या जीवाणु उनके यहां तबाह कर सकता है सबके स्वास्थ्य को। भारत में ऐसा नहीं है, इतना जबरदस्त सूर्य का प्रकाश है कि कोई जीवाणु कीटाणु दो दिन भी जिंदा रह जाए तो उसके लिए बड़ी बात है। लेकिन हमने नकल करना शुरू किया है और उसी का दुष्परिणाम आज हमारे जीवन में है कि जिन 108 करोड़ लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए था वो किसी न किसी बीमारी में फंसे हुए हैं। और भगवान न करे आने वाले समय में क्या होगा, हर 5 साल से छोटे बच्चे को हम पोलियो की वैक्सीनें पिला रहे हैं, एक बार पिलानी थी, दो बार पिलानी थी, अब 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 25 बार हो गया, अब बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप में शायद ये मास वैक्सीनेशन जरूरी है, अमेरिका और उसके आसपास के देशों में जरूरी है, भारत में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अपनी मां के गर्भ से, अगर मां स्वस्थ है तो उसको इस तरह की कोई चांस नहीं है। लेकिन आप दे रहे हैं उसको वायरस, वैक्सीन के रूप में वही वायरस आप दे रहे हैं जो पोलियो पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। बस इतना ही अंतर है कि वो मृत स्वरूप में है, लेकिन अंदर जाके कभी जीवित हुआ तो वही पोलियो कर देगा। और ऐसे में आपको हजारों केस दिखा सकता हूं इस देश में जिनको पोलियो वैक्सीन देने के बाद ही पोलियो हुआ है। और गर्मियों में जब सूर्य का तापमान 50 डिग्री चला जाता है तो आप तो परेशान होते हैं गर्मी से, लेकिन वो अच्छा है क्योंकि वो 50 डिग्री तक पहुंचकर सब जीवाणु कीटाणुओं को साफ कर देता है। हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अंधाधुंध बिना सोचे बिना विचारे बिना समझे हम ये सब कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम में बीमारियां बढ़ रही हैं। We'll be right back.